हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है, आप देख रहे हैं अरविंद टेक्निकल। ये इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी है, इसमें ये प्रॉब्लम आ गया है। ये प्रॉब्लम अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे सॉल्व होता है और क्या मैं प्रॉब्लम आ गया, तो ये जो आप देख रहे हैं यम का सेक्शन में प्रॉब्लम है, यानी कि मोटर में प्रॉब्लम है। तो मोटर से जितने भी रिलेटिव चीज़ है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है मोटर में ही प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो प्रॉब्लम आता है तो कंट्रोलर में भी प्रॉब्लम आ जाता है। और मैंने एक बार मैं आपको एक्सीलेटर दे के एक्सीलेटर करता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मोटर नहीं चलता है, कोई इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। देख लीजिए, मोटर का कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार मैं आपको कंट्रोल का चेक करके दिखाता हूँ, जो अब कंट्रोल है दिखाता हूँ आपको अच्छी तरह से। ये कंट्रोल हुआ और 72 वोल्टेज का इसका सेटअप है कंट्रोलर का, तो ये इसमें पूरा बायोडाटा देता है। और इसमें ये मोटर का मैंने मोटर का चेक किया तो ऐसा, एक बार मैं ऑफ करता हूँ, एक बार ऑफ कर ऑन करता हूँ, तो एक बार ऑफ करके ऑन करता हूँ तो मोटर में एक आवाज़ आता है। देखिए थोड़ा सा कट से आवाज़ आता है, तो फिर से मैं लाइन काट के देता हूँ मोटर का, थोड़ा ध्यान देके देखिएगा। तो इसमें थोड़ा एक बार लाइन देने के बाद थोड़ा सा देखिए कट सा आवाज़ आया, तो इसी तरह का प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से कट से आवाज़ आता है तो मोटर में प्रॉब्लम नहीं है, कंट्रोलर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कंट्रोलर मेरे पास सेम टू सेम नहीं है, दूसरा मॉडल का कंट्रोलर है, वो कंट्रोलर लगा के मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। दोस्तों, ये इस तरह का प्रॉब्लम आपके स्कूटी में अगर आ जाए तो आप कैसा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्यों दिखाता है, ये प्रोटेक्शन जो देख रहे हैं आप, तो ये जो पोजीशन है आता है मोटर में, कोई दिक्कत हो जाता है मोटर से, जितने भी रिलेटिव चीज़ होता है वो ख़राबी हो जाता है, इसी की वजह से आता है। तो क्या कंट्रोलर ख़राब है या मोटर ख़राब है, तो देखिए ये हुआ कंट्रोलर, कंट्रोलर में भी प्रॉब्लम हो सकता है और ये मोटर में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मोटर में प्रॉब्लम है या कंट्रोलर में प्रॉब्लम है, तो कंट्रोलर में प्रॉब्लम अगर मोटर में प्रॉब्लम, दोनों में से कोई एक सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर मोटर में प्रॉब्लम है या कंट्रोलर में प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले चेक करने के लिए सबसे पहले इसको ऑन करना पड़ेगा। एक बार ऑन करने के बाद इसमें थोड़ा सा कट से आवाज़ आया मोटर में, तो ये मोटर सही है। अगर नहीं आया तो मोटर में प्रॉब्लम है। पास एक दूसरा कंट्रोलर है, तो ये कंट्रोलर लगा के मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ, ये प्रॉब्लम कंट्रोलर में है या मोटर में है, तो शेयर हो जाएंगे। तो वीडियो के साथ आप बने रहे और उसको हम ओपन करते हैं, खोलते हैं और इसको सेट करते हैं, तो दोनों में क्या अंतर होता है, तो वीडियो के साथ आप बने रहे दोस्तों। ये कंट्रोलर जो है मैंने ओपन कर दिया हूँ और ये सेटअप कर रहा हूँ, तो सेटअप करने में थोड़ा नट बोल्ट तो दिक्कत होगा, इसलिए मैं थोड़ा लाइन को कैमरा को थोड़ा बंद कर मैं आपको दिखाता हूँ। वायर को कनेक्शन कर देना है अच्छा से। देखिए ये जो कलर है, कलर बाई कलर लगाना है आपको, पीले वाले के सामने ब्लू कलर है तो ब्लू वाला, ग्रीन वाला है तो ग्रीन के साइड से लगाना है। और ये माइनस प्लस जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, उल्टा लगने के बाद ये ख़राब हो सकता है कंट्रोलर, तो ये बहुत अच्छा से लगाना है आपको। और ये वायर जो है तीन सॉकेट है, तीन साइड का है, इसमें कोई मिस्टेक आपको नहीं होगा। तो मेन मिस्टेक यहाँ पर हो जाता है और ये जो है माइनस प्लस पर हो जाता है। तो ये मैं आपको सेटअप करके दिखाया, सेटअप करने के बाद मैं इसको चाबी ऑन करता हूँ और ये चाबी ऑन करने के बाद मैं ये जो बैटरी है कनेक्शन है, मैं कनेक्शन पहले लगा देता हूँ। ये कनेक्शन लग गया, ये कोई भी वायर जुड़ने से पहले ये कनेक्शन जो है वो बैटरी के कनेक्शन हटाने के बाद इसको खुलकस करना है। तो मैं NCB इसको ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद ये देखिए ये प्रोटेक्शन हट गया। और हटने के बाद मैं आपको अगर मोटर चला के दिखाता हूँ, देखिए मैं सभी ऑन कर दिया हूँ। ऑन करने के बाद ये प्रोटेक्शन मोड हट गया, प्रोटेक्शन मोड हटने के बाद देखिए मैं थोड़ा ये देखिए क्लच को थोड़ा लेना है, और ये ब्रेक का, ब्रेक लेने के बाद थोड़ा सा पीछे का लाइट जो जलेगा और उसके बाद ये मोटर का में आवाज़ आ गया, मोटर चलने लगा। देखिए तो मोटर में ख़राबी नहीं था, कंट्रोलर में ख़राबी था। इस तरह से प्रॉब्लम हमको सॉल्व कर सकते थे, मोटर चल रहा है तो ये देखिए यहाँ पर जो कंट्रोलर दूसरा लगाया, ये कंट्रोलर में प्रॉब्लम था। तो किसी दिन कंट्रोलर को रिपेयर करके मैं आपको बताऊंगा।
वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।